हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सावन का महीना स्टार्ट हो गया है और यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं व्रत और त्यौहार। और फिर त्यौहार में मीठा खाना तो बहुत ही कंपलसरी है, तो मीठे बिना तो कोई भी त्यौहार कंप्लीट होता नहीं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। घर में ज़्यादा सामान ना हो तो भी आप इसे फटाफट से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी को। पसंद आएगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस मिठाई को बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले ली 1 कप चावल। कोई भी चावल ले लें आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब मैंने रख ली गैस पर 1 कढ़ाई और उसमें मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच घी का। ये मेरी छोटी चम्मच थी तो मैंने 2 डाल दी हैं, लेकिन 1 बड़ा चम्मच ही डालना है। अब इसमें आप इन चावलों को डाल दें और लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा, बस गोल्डन होने तक, बहुत हल्का सा एक भुनने की इसमें खुशबू सी आने लगे और बहुत हल्का सा कलर चेंज हो, उतना ही आपको इन चावल को पका लेना है। इससे क्या होगा कि चावल में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा और ये जो कच्चापन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इन्हें भूनने में। तो आप चावल को अच्छे से देखिए, हल्का सा गोल्डन कहीं कहीं नज़र आने लगा है। बस इसी कंसिस्टेंसी तक हमें चावल को भूनना है, बहुत ज़्यादा लाल इन्हें नहीं करना है। जैसे ही लगे कि हल्के से गोल्डन होने स्टार्ट हो गए हैं, आप इन्हें निकाल लें। तो अब मैंने वापस यही कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं अब डालूंगी 1 कप ही मखाने। मतलब जितना हमने चावल लिया है उतने ही मैंने लिए हैं ये मखाने। मखाने हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही व्रत में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। तो अब आप मखानों को भी भून लें। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप जो व्रत वाले चावल आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। तो इस तरीके से मखानों को भी 3 से 4 मिनट बस क्रिस्पी हो जाएं मखाने। जैसे ही आप तोड़ें तो ये बिल्कुल अच्छे से एकदम बारीक होने लगे, उस कंडीशन तक आप मखानों को भी भून लें। तो देखिए मखाने भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया है, इन्हें कर लें ठंडा। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें ठंडी हों आप इनका एक पाउडर बना लें। तो पहले मैं चावल को पीस लेती हूँ। भूनने के बाद चावल को पीसना काफ़ी आसान हो जाता है और एक अच्छा सा फाइन पाउडर इसका बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए चावल को मैंने भून लिया था। मेरे चावल थोड़े बासमती वाले थे तो इनका कलर हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट नहीं था, लेकिन अगर आप वाइट वाले चावल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी मिठाई बनेगी। और ये मैंने मखानों को भी पीस लिया है। तो दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब मैंने गैस पर रख ली 1 कढ़ाई और अब मैंने जिस कप से चावल को नापा था उसी कप से मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। दूध आप कोई भी ले लें मिठाई बनाने के लिए, वैसे अगर फुल फैट वाला दूध लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और दूध में एक उबाल आने दें। देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है। जैसे ही दूध में उबाल आए तो आप इसमें मखाने और चावल वाला जो पाउडर था वो मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी क्वांटिटी में मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ उतना ही आपको डालना है। बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध डाल देते हैं तो जो मिठाई है हमारी काफ़ी गीली हो जाती है, उतनी अच्छी परफेक्टली नहीं बन पाती। तो देखिए जैसे जैसे ये मखाने और चावल फूलते जाएंगे बहुत जल्दी एकदम गाढ़ी होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारी मिठाई जो है वो बहुत गाढ़ी होती चली जा रही है। अब आप इसको बिल्कुल टाइट होने तक एकदम पहले पका लें। अभी तक हमने इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाली है, बस फ्लेवर के लिए मैंने थोड़े से धागे केसर के डाल दिए। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, चाहें तो केवड़ा एसेंस, गुलाब जल, जो भी आपको पसंद हो वो फ्लेवर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं 4-5 मिनट में ही हमारी जो ये मिठाई का मिक्स है कितना गाढ़ा होता चला जा रहा है और चावल भी बहुत अच्छे से इसमें पक चुके हैं। मतलब बिल्कुल भी कच्चापन आपको इस मिठाई में नहीं लगेगा और ना ही टेस्ट करने से ये पता चलेगा कि आपने इसे चावल से बनाया है। देखिए काफ़ी गाढ़ा ये जो टेक्सचर है इसका हो चुका है। बस अब इस कंडीशन में हमें इसमें डालनी है चीनी, तो मैंने 1 कप ही डाल ली है चीनी। और अब अगर अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो मैंने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। आप चाहें तो दूध की मलाई ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मैं मलाई ऐड करने वाली थी लेकिन फ़िलहाल मेरे पास मलाई अवेलेबल नहीं थी। तो अगर मलाई ना हो तो 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दें। इससे बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा आएगा जैसे आपने इसे मावे से बनाया है, लेकिन मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए अच्छे से कर लें मिक्स। अब जैसे ही इसमें चीनी जाएगी तो थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ करेगी चीनी और ये हमारा जो मिक्स है थोड़ा सा लूज़ होगा। तो देखिए इसको चलाते रहना है, हल्का लूज़ हो गया है। बस अब हमें इसे जब तक पकाना है वापस से, जब तक कि ये पैन से बिल्कुल सेपरेट ना होने लगे। राइस हैं तो थोड़ा सा स्टिकी होती है ये मिठाई,
लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाएगी, हमने इसमें स्टार्टिंग में राइस को घी में भूना था, तो ये अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ते चली जाएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्टिकी ज़्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा सा एक छोटा चम्मच घी इस कंडीशन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉन स्टिक बर्तन में बना रही हूँ, तो मुझे घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, 2-3 मिनट बाद ही काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ी हो गई है और पैन को अपने आप ही छोड़ने लगी है, आप देख सकते हैं। और जब आपको लगे कि इसने पैन को काफ़ी अच्छे से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सम्मिक्स हमारी मिठाई का आ चुका है। और अब इसे किसी बर्तन में निकाल लें। तो मैं इसको जस्ट बर्फ़ी की फॉर्म में जमाने जा रही हूँ, तो मैंने एक केक टिन ले लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल थाली में इसको ऐसे भी जमा सकते हैं, या चाहें तो रोल भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने एक केक टिन में नीचे बटर पेपर बिछा लिया, जिससे ये आसानी से निकल आए। देखिए, आप अभी से देख सकते हैं कि जो मिठाई का मिक्स है वो एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो अब आप अच्छे से इसको इस तरीके से किसी स्पैचुला से फ्लैट कर लें। इसे जमने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली आधा घंटे में आपकी जो स्वीट है ये रेडी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से इसे स्पैचुला से एकदम फ्लैट जैसा कर लिया है। और अब बस आधा घंटे के लिए आप छोड़ दें। देखिए, सिर्फ आधा घंटे में हमारी जो स्वीट है काफ़ी अच्छे से जमकर रेडी हो चुकी है। अब हल्का सा चाकू से इस तरीके से कर लें स्क्रैच, जिससे ये बहुत आसानी से निकल आए। तो देखिए, अब मैंने इस तरीके से एक प्लेट पर कर दिया इसे उल्टा, नीचे बटर पेपर लगा था तो बहुत इजीली निकल आएगी। देखिए, तो कितने अच्छे से हमारी मिठाई निकल कर तैयार है। मेरे पास थोड़ा सा सिल्वर वर्क रखा था, तो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने लगा लिया इसके ऊपर सिल्वर वर्क। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है जो हमारी मिठाई है, ये बनकर तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि सॉफ्ट भी है और काफ़ी अच्छे से सेट भी है। मतलब आप खाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे आप मावे की ही मिठाई खा रहे हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर, आपने एक बार बनाया तो आप बार बार ज़रूर बनाएंगे इसे। और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, तो मैंने इस तरीके से, मेरे पास कुछ बादाम थे तो इस तरीके से दो दो पीसेस में कट करते हुए मैंने इन्हें लगा लिया है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो ये मिठाई है सर्व करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका टेक्सचर भी अंदर से दिखाती हूँ कि ये कितनी मॉइस्ट, एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे मावे से आपने इसे बनाया हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन त्योहारों पर आप भी बनाइए आसान सी झटपट मिठाई घर में ही रखी चीज़ों से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।